डॉक्टर अंशुमान, आज थोड़ा सा हमने मिक्स कर दिया है, पॉलिटिकल मुद्दे भी मिक्स कर दिए हैं, और जो कांग्रेस का और टीएमसी का, बीजेपी का, और साथ के साथ जो कोरोना का है वो मुद्दा भी मिक्स किया है। हालांकि ये सारे के सारे मुद्दे हर देशवासी के लिए बहुत जरूरी हैं कि देश में हो क्या रहा है और आगे चीजें कैसे बदलेंगी उसके ऊपर। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले ये समझना चाहूंगा कि ये जिस तरह से आंकड़े, जो नंबर्स हैं मौतों के, हम लोग बार बार यही कहते हैं कि जितनी लोगों की डेथ हो गई हम उनको आंकड़ों में बात करते हैं, लेकिन बात यही है कि जिसके परिवार से जो चला गया वो सदस्य है, लेकिन शायद और लोगों के लिए आंकड़े रह जाते हैं। तो 6,148 मौतें जो एकदम से सामने आ गई, ये किस तरह से आ गई? हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो बिहार ने अपनी ऑडिट में मौतों, कोरोना से हुई मौतों को सामने लाए हैं, जो 5,000 वो मौतें कह रहे थे वो 9,000 के आसपास कुछ बता दिया, यानी कि 4,000 मौतें उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड की, एक्स्ट्रा रिवील की, जिसकी वजह से ये एकदम से 6,000 के आंकड़े आए। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक राज्य का मामला है जिसने मौतों के आंकड़े छुपाए, या ऐसी ही सिचुएशन दूसरे राज्यों की भी आ सकती है? इस पे मैं आपसे कमेंट चाहूंगा। जी रविंद्र जी, पहले आपने बात कही कि आज पॉलिटिकल, सोशल और कोरोना तीनों मामलों को मिला दिया है। वायरस भी काफी म्यूटेट कर रहा है, तो ये जो पूरे देश में बदलाव हो रहा है वो भी उसको आप म्यूटेशन की तरह ही समझ सकते हैं। म्यूटेशन है, हिंदुस्तान में जो आज हो रहा है म्यूटेशन ही है। इसलिए एबनॉर्मल, अनप्रिडिक्टेबल और वेरिएबल रिजल्ट, या कह सकते हैं जो आप उम्मीद करते हैं उसके अलावे कहीं जाके कुछ रिजल्ट आता है। इसलिए अगर आप भारत के नागरिक हैं, पेशे से कुछ भी हो, लेकिन आपको जागरूक रहना चाहिए उन चीजों पे। वही जागरूकता की कमी जहां हुई, इस कारण स्थिति ऐसी बनी है। अब मौत के आंकड़ों पे आ जाते हैं। मौत के आंकड़े या नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेज, हर समय किस तरह से इसके साथ फजिंग की जाती थी पिछले साल से आप देख रहे हो, तो होती थी, उस पर कोई तो मत नहीं है। अभी कुछ राज्यों ने मुआवजे का अनाउंसमेंट किया, मुआवजे की घोषणा कर दी है कि अगर कोरोना से मौत हुई है तो मुआवजा मिलेगा। अब चक्कर ये पड़ा कि जिनके परिवार के लोग चल गए उनकी भरी पूर्ति तो इससे की नहीं जा सकती है, लेकिन फिर भी अगर सरकार कुछ एक मुद्रा के तरह तहत अगर कोई सपोर्ट दे रही है तो उनको लेने के लिए लोगों में ये है कि कम से कम हमारा घर परिवार जो बिल्कुल डूब रहा था, बिजनेस चौपट हो गया, नौकरी चली गई, तो उन लोगों ने इस पे प्रेशर बनाना चालू किया कि हमारे रिश्तेदार संबंधी का ये हुआ था, अपने रिपोर्ट ये है, आपने रजिस्ट्रेशन में नहीं दिखाया है इनकी मौत। ये एक कारण रहा। दूसरा ये रहा कि जब नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे थे उसमें आप देख रहे थे कि नंबर ऑफ मौतें प्रोपोर्शनेटली ज्यादा हो रही थी, मतलब पर लाख जितनी मौतें हो रही थी उससे ज्यादा होने लगी। उस समय क्या किया गया था कि टेस्ट कम कर दिए गए थे, तो जो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस नए निकल रहे थे और जो मौतें हो रही थी उसमें दो डिस्क्रिपेंसी आ रही थी। एक तो मौत उनकी हो रही थी जो आज से 14-15 दिन पहले संक्रमित हुए थे और अति गंभीर रूप लेके मौत आज हुई। आज जो नंबर ऑफ टेस्ट हो रहे थे, क्योंकि संक्रमण रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उसको कम कर दिया गया था, तो ये डिस्क्रिपेंसी उस समय इसलिए चल रही थी। और अभी जो एड ऑन हुआ, उसके पहले जो गंगा में और या नदियों में लाशें जो दिखी जो अनकाउंटेड थी, उनमें से कुछ लाशें काउंट होने लगी हैं अब। जैसा मैंने बताया, ड्यू टू प्रेशर या पब्लिक के, अपने परिवार के लोग जाके इन्वॉल्व हुए और उनका रजिस्ट्रेशन कराया, इन सब को कराया, क्योंकि अदरवाइज क्या क्या आपके पास आंकड़े कहाँ से आ सकते थे? या शमशान घाट से, या अस्पताल से, उसी से साइट पे अपडेट हो रहे थे आंकड़े, बाकी कोई सोर्स नहीं था। दूसरा, कोरोना के मौत को सिर्फ लिया, कोरोना संक्रमण हुआ, कोरोना पॉजिटिव है तब जो मौत हुई उनको लिया, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी बीमारी के मौत के लिए कोरोना एंड कोरोना कंसिक्वेंशियल डेथ लेना चाहिए, और मेरे हिसाब से संक्रामक बीमारी होने के बाद 30 दिन के अंदर इसी से संबंधित कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी अगर कॉन्सिक्वेंशियल डेथ होती है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है, ब्लैक फंगस के कारण होता है, स्ट्रोक होता है, उसको भी कोरोना के डेथ में ही माना जाएगा, जो कि नहीं किया जा रहा था, बहुत जगह फजिंग की जा रही थी। तो इस सब का मिला जुला असर हुआ, तो सडन आपको देखा कि मौत के आंकड़े बढ़ गया। जी, मतलब कि कल जो 92,000 का जो डेटा था, यानी कि उस हिसाब से देखो 6% से ज्यादा की मौत की दर आ गई है।